हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी और आसानी से बनने वाली पाट साग की रेसिपी। तो चलिए, इस मजेदार रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ पाट साग, जिसे मैंने डंटी को निकाल के इसका पत्ता एक एक करके तोड़ ली हूँ। तो पाट साग दिखने में कुछ इस तरह है। तो पाट साग को पहले ही मैं धो ली हूँ, क्योंकि काटने के बाद अगर हम इसे धोएंगे तो ये बहुत ही गीला हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम इसे काट लिए हैं। तो चलिए, अब है इसे बनाने की बारी। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक कढ़ाई, उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन। तो यहाँ पे मैं 6 लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ, और यहाँ पे मैं लहसुन को थोड़ा सा क्रश करके ऐड कर रही हूँ, ताकि साग में लहसुन का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो लहसुन को हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ये जो साग हम लोग काट के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ इसमें नमक मिला के इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और साग को फ्राई करने के बाद ये क्वांटिटी में बहुत कम हो जाता है, तो जब भी हम लोग नमक ऐड करेंगे तो सावधानी से ऐड करना होगा। तो थोड़ा सा इसे फ्राई करके हम इसे कवर करके पका लेंगे, और 2 से 3 मिनट बाद कवर निकाल के हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साग से पानी छोड़ा है। तो इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे, तो फिर से हम कवर कर देते हैं। तो 2 से 3 मिनट फिर से हम लोग कवर करके इसे पका लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साग में थोड़ा सा पानी बचा है, तो इसी स्टेज में एक डाबू लेके हम इस तरह से साग को चला लेंगे, ताकि ये और भी मुलायम हो जाए। उसके बाद गैस को ऑफ कर दे और गर्मा गर्म राइस के साथ इसे सर्व करें। सो फ्रेंड, आशा करती हूँ ये सिंपल सा साग रेसिपी आप सबको पसंद आया होगा। आप लोग भी इसे घर पे एक बार जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।